रहेगा ना। हाँ मम्मी, इन 7 सालों में तो मैं आप दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मम्मी अभी आप जैसा भी कहेंगी ना वैसा ही करूंगा मैं, प्रॉमिस। हाँ पापा, आ रही हूँ मैं। वो मेरी लास्ट फ्लाइट मिस हो गई, लेकिन मैं नेक्स्ट फ्लाइट लेके आ रही हूँ। नहीं पापा, मैं नहीं रुक सकती यहाँ पे, कोई है ही नहीं मेरा। एक होप थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। कभी नहीं जाऊंगी उस घर में वापस। हाँ, अब बस फाइल लेके निकल रही हूँ। भैया आप? श्रेया ने सारी तैयारियां कर ली है, सिर्फ दिल तैयार नहीं है, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और किसके लिए रुकूं मैं? कोई नहीं है मेरा यहाँ पे। मम्मी, वो तो है ना? नहीं, उन्हें भी मिल गई ना अपनी ब्रांड न्यू छोटी बहू, जिसे वो कभी अपनी बेटी नहीं मान पाएगी। श्रेया, श्रेया, हम सब जानते हैं कि 7 सालों पहले तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी मम्मी आज भी तुम्हें अपनी बेटी ही मानती है। कभी नहीं छोड़ा तुम्हें अपनी बेटी मानना उन्होंने। उनके लिए रुक जाओ, जरूरत है मम्मी को तुम्हारी, तोशनीवाल परिवार को जरूरत है तुम्हारी। मतलब? श्रेया, मम्मी स्माइल करती रहती है, कुछ कहती नहीं, पर तुम्हें नहीं पता कि उनकी स्माइल के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है। इन 7 सालों में कितना झेला है उन्होंने। मेरी सास मेनका उंगली की नोक पे रखती है उन्हें, कितने टॉर्चर करती है उन पर, क्या क्या किया है वो मेनका ने मम्मी के साथ। बच्ची के कपड़े खराब कर दिया आपने, अब कौन साफ करेगा, कौन धोएगा? मैं धो दूंगी। सविता जी, ये सारे मिल्क शेक्स आप पीजिए। अगर आपने आपकी गलती कबूल की है तो फिर सजा भी तो आपको ही देनी चाहिए, बर्फ के पानी में खड़े हो जाइए। सब कुछ चुपचाप सहन करती रही, तो फिर आपने और वैभव ने कुछ किया क्यों नहीं? वैभव को इस बारे में कुछ नहीं पता है, और मम्मी ने उसे कभी कुछ बताया भी नहीं। पापा ने तो 7 सालों तक अपने आप को रूम में बंद कर रखा, और मैं तो एक नंबर का नालायक हूं, फंसा हुआ हूं मैं। अपनी शादी को बचाने के चक्कर में, अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में। श्रेया, अभी वैभव फंसते जा रहा है मेनका का दामाद बनकर। तुम ही हो जो उस मेनका के सामने खड़ी रह सकती हो। नहीं भैया, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आप पे भरोसा कैसे कर सकती हूँ? आप तो जो भी करते हैं सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। सही कहा श्रेया, और आज भी बात सिर्फ पैसों की है। जिस इंसान के पास पैसा होता है ना, तभी उस इंसान की वैल्यू होती है,
आज मेरी बेटी ने यह साबित कर दिया। मैं मेरी बेटी की नजरों में गिर चुका हूं श्रेया, और इसीलिए मुझे उसके लिए कुछ करना है, कुछ बनना चाहता हूं मैं, ताकि मैं उसकी नजरों में ना गिरूं। श्रेया, श्रेया सिर्फ तुम ही हेल्प कर सकती हो, मेरी और मम्मी की भी। नहीं भैया, आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं नहीं रोक सकती। तुम कितना भी दिखाओ श्रेया कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर तुम्हें फर्क पड़ता है श्रेया। अगर तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता ना श्रेया, तो जीजे के एक मैसेज पर तुम फ्लाइट छोड़कर भी भागी नहीं आ जाती। क्यों बार बार तुम उस घर की तरफ खींची चली आती हो? क्यों उस घर के लिए तुम इतना सब कुछ करती हो? तुम एक भी फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम में नहीं दे सकती श्रेया। श्रेया, तुम ही इस घर की खुशियां वापस ला सकती हो। और श्रेया, कहीं ना कहीं तुम्हारी भी खुशियां उसी घर से जुड़ी हुई है, है ना? श्रेया, मम्मी तुम्हें कल भी अपनी बेटी मानती थी, आज भी अपनी बेटी मानती है, और हमेशा तुम्हें अपनी बेटी मानती रहेगी। पर अगर तुमने कभी सच में मम्मी को अपनी मां माना हो ना, तो उनके लिए रुकोगी, उनके लिए तुम जरूर आओगी। Last hit she has got. मुझे नहीं खेलना ये गेम, कोई दूसरा खेल दे ना। नहीं खेलना, नहीं खेलना, पूरी श्रेया पे गई है, मतलब वो भी ऐसी हारने के बाद ना चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती थी। नो, उन श्रेया आंटी का नाम मत लो, बहुत बुरी है वो। वैभव, कैसी लग रही हूं मैं? अरे बच्चा पार्टी, तुम लोग अभी तक यहीं पे हो? इट्स पास्ट योर बेड टाइम, अपने रूम्स में जाके सो जाओ, चलो चलो जल्दी। अरे पर मैंने तो सोचा था कि मैं आज यहाँ सोऊंगी। अब यहाँ पे मैं हूं ना पापा के पास, आप अपने रूम में जाओ। ठीक है ईशा आंटी। उप्स मम्मी, गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मा। चल ध्रुव आजा। गर्मी है ना यहाँ पे, आई मीन शायद ऐसी काम नहीं कर रहा है। गॉश ईशा, तुम अपने रूम में जाके सो जाओ आज। वैभव कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, शादी की है हम दोनों ने। हाँ ईशा, बट यू नो हमारा रिलेशनशिप कैसा है, और वी आर नॉट जस्ट एनी हस्बैंड एंड वाइफ। आई नो तुम अभी भी अपने पास से निकल नहीं पाए हो, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट वैभव डू आई लुक लाइक समवन जो तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ करने के लिए बोलूंगी? कम ऑन वैभव, I respect your decision. लेकिन वैभव अगर हम अलग अलग रूम से सोएंगे तो फिर घर वाले क्या सोचेंगे? मॉम को कितना बुरा लगेगा? अभिषा तुम्हारी मॉम का तो नहीं पता मुझे, फिर जब से उन्होंने कुसुम को इस घर पे लाया और जो किया उसके बाद, मतलब वो कुछ भी करें, आई कुछ भी सोचें, आई डोंट केयर।
और तुम्हारे पेरेंट्स? वैभव, उन्हें भी तो बुरा लगेगा ना। वैभव, कम ऑन, लुक, हम लोग मैच्योर एडल्ट्स हैं। अगर हम नहीं चाहेंगे तो हमारी मर्जी के बिना हमारे बीच कुछ नहीं होगा, लेकिन हम एक साथ एक रूम में तो रह सकते हैं ना। कम ऑन, हम तुम भी कितने टायर्ड हो गए होगे ना। लेट्स सी। कितना रेजिस्ट करोगे वैभव? शादी हुई है हमारी, मेरे करीब तो तुम्हें आना ही होगा। आशा, आशा। अरे क्या हुआ वैभव, आशा को क्यों बुला रहे हो? नहीं वो बाब। आशा, आशा। क्या हुआ पापा? अब आज से तुम हमारे साथ ही सोगी। सच्ची? ये, ये, ये। मुझे पता था आप दोनों मुझे बहुत मिस करोगे, मेरे बगैर अच्छा ही नहीं लगेगा आपको, है ना? But don't worry, अब मैं आपको एक पल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी, ओके? ये कहां से आ गई मेरे और वैभव के बीच में? कब आपने हड्डी? मम्मा, आप इतने परेशान क्यों लग रही हो? आपको ठंड लग रही होगी ना ऐसे कपड़ों में? आप पहले सो जाओ, मैं आपको कंबल उड़ा देती हूँ। आ जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अब आपको ठंड नहीं लगी, ठीक है? अब कौन आया? कमिंग। रोहित बेटा, तुम? मॉम, मुझे आपसे जरूरी काम है। प्लीज मुझे ये मत कहना कि तुम्हें पैसे चाहिए। मॉम, देखो जो पैसे चाहिए ना मैं तुम्हें कल दे दूंगी। और हाँ, मैंने तुम्हें जो मेरी इन्वेस्टमेंट इनकैश करने के लिए दी थी वो इनकैश करके लाए। मैं माला माल बन गई हूँ ना, रिच रिच। कल सुबह सेलिब्रेट करेंगे और वैसे भी रोहित बेटा कल दे दूंगी तुम्हें, ओके? यू नो ये मेरा ब्यूटी स्लीप का टाइम है, सो डोंट डिस्टर्ब। गुड नाइट। गुड। अरे मॉम, मॉम मेरी बात सुनिए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उससे आपकी ये ब्यूटी स्लीप अगली स्लीप में बदलने वाली है। अरे आप नींद तो क्या, होश उड़ जाएंगे आपके। मॉम आप बकवास कर रहे हो तुम? हाँ मॉम, मॉम आप माला माल से कंगाल हो गई है, आपका सारा पैसा डूब गया है। मॉम व्हाट? हाँ, नो नो नो, ये कैसे हो सकता है? मॉम ऐसा ही हुआ है, आपने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया था ना, ये देखिए वो कंपनी, मॉम वो कंपनी डूब गई है, मतलब इसके सारे शेयर्स डूब गए, मतलब सारे शेयर्स आपके भी डूब गए मॉम, मतलब आपके सारे पैसे चले गए मॉम। और मॉम आपने ये घर गिरवी रखा था ना, गया। मॉम आपकी सारी सेविंग्स गई, मतलब आप फिनिश मॉम, खत्म। मॉम, 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 लगता है मॉम भी गई।
तुम आओ और देखो देखो क्या हालत हो गई है। माया रात भर से इनका मुंह ऐसे ही खुला है, मच्छर मक्खी भी अंदर तफरी करके बाहर आ रहे हैं। कुछ करो वरना मच्छर घर बना देंगे अंदर। मॉम 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 कुछ तो बोलिए मॉम मॉम। माया मेरे पास एक आइडिया है, रुको रुको। माया रामबाण इलाज है रोहित, ये क्या करे बुरटाव से? जीजे का सॉक्स है, मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाता है, तो मॉम तो सिर्फ शौक में। रुको माया, अब रोक अब रोक माया। नो नो नो, मैं सड़क पे आ जाऊंगी। क्या हो गया हमारे साथ, क्या हो गया? मॉम मॉम कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं मैं गरीब नहीं हो सकती, आई हेट गरीबी। मैं सड़क पे नहीं सो सकती, रहना पड़ेगा मॉम। मतलब आपने जिनके पास घर गिरवी रखा है ना, वो बाहर आए हैं पैसा लेने के लिए। मॉम मॉम रिलैक्स, सुनिए मॉम, आप अपना ये गुड़िया ठीक कीजिए और बाहर उनसे मिलने के लिए आइए। हाँ मॉम, मिलना तो पड़ेगा। शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ।